सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत पहलवारा रूपनाथ दक्षिणी क्षेत्र संख्या 28 से शिक्षित महिला मुखिया पद उम्मीदवार श्रीमती लक्ष्मी देवी, निवेदक उदय तिवारी जी हैं और इनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी जो मुखिया पद से उम्मीदवार हैं और पहले ये पंचायत समिति सदस्य रह चुकी है और उस कार्यकाल में इनका बढ़िया कार्य रहा है, जनता इसको भूली नहीं है और जनता इनका सहयोग कर रही है दोबारा आने के लिए। हम उदय जी से पूछना चाहते हैं कि कुछ बताएं, आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ किया है, जनता से किस बल पे आप वोट मांग रहे हैं ये बताया जाए। सर्वप्रथम मैं अपने बहलवारा रूपनाथ दक्षिणी पंचायत के प्रत्येक मतदाताओं, प्रत्येक जनता, प्रत्येक गार्जियन से आशीर्वाद मांगना चाहेंगे। उदय तिवारी को आशीर्वाद दे, मैं उनके पंचायत का लड़का हूं, उनके पंचायत की बहू मुखिया उम्मीदवारी कर रही है। आगे बोला जाए, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने जो सामाजिक कार्य किया है, जो मैंने पंचायत का काम किया जी, तो उसमें क्या कुछ उपलब्धि आपकी रही है? सर्वप्रथम मैं वार्ड सदस्य निकला, वार्ड सदस्य में हम नहीं आना चाहते थे राजनीतिक में, ग्रामीण जनता ने खड़ा करा के वार्ड सदस्य बनाया, हम वार्ड सदस्य में अच्छा कार्य किए, उसके बाद लोगों ने कहा कि आप पंचायत समिति का उम्मीदवार बने, मैं पंचायत समिति बना। सर्वप्रथम गरीबों का उत्थान के लिए सरकार के द्वारा जो मनरेगा के माध्यम से 100 दिन की गारंटी काम दी जा रही थी, उसमें गरीब बुढ़वा को मैंने 5 साल तक कोदारी दौड़ी वाले को काम दिया, जैसे नहर उड़ाही कार्य, पोखरा उड़ाही कार्य, ईट सोलिंग कार्य, पोखरा में सीढ़ी निर्माण कार्य, आपको गंदे नाला का निर्माण कार्य, जो भी मैंने काम करवाया उस सबों में गरीब मजदूरों को मैंने काम दिया। ये बात मेरे पंचायत के जनता एक एक जानती है, ये मैं कुछ दिखावा मैं नहीं बोल रहा, ये हकीकत है, जो मैं बोलूँगा हकीकत बोलूँगा, कोई दिखावा हमें नहीं है। जिसके आशीर्वाद जनता जाग चुकी है, आज मुझे मिल रहा है, बहुत से लोग बहुत तरह की बात कर रहे हैं, काउंटर लगा लिए हैं, रुपया बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, मैं दिल से दिल जोड़ा हूँ और दिल से दिल जोड़ के रखूँगा और एक एक जनता मेरे साथ है, मैं खुश हूँ, बनना न बनना अलग है लेकिन जनता मेरे साथ है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि पंचायत की एक एक मताओं, एक एक जनता, एक एक नौजवान साथी मेरे साथ है।